गुरुवर कोई व्रत लेकर के अपनी साधना कर रहा है और उसके दौरान कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, दुख हो जाए, तो आर्त रौद्र ध्यान करके मरना अच्छा है या व्रत तोड़ करके उसका निदान करना अच्छा है? पहली बात तो इस केस को जनरलाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये आपातकालीन केस है। हमारे शास्त्रों में व्रत की रक्षा करने के लिए लोग मर गए और हमारे यहाँ व्रत छोड़ करके भी जीवन की रक्षा हुई है, दोनों केस मिलते हैं। ऐसे लोग भी देखने में आए जिनके गुरु ने व्रत छोड़ करके और जीवन की रक्षा की, और ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने व्रत की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। केस कैसा है, किस ढंग का नियम तोड़ना पड़ेगा? कोई कहेगा कि तुम्हारा देखो तुम बच जाओगे, बस एक मांसाहार का त्याग था, वृत्ति था, प्रतिमाधारी था, साधु था। अब उन्होंने कहा देखो आप बस तो जाओगे लेकिन मुर्गे का मांस खाना पड़ेगा। अब बोलो, अब यहां मर जाना ठीक है कि व्रत तोड़कर जीवन बचा लेना ठीक है? जोर से बोलो ठीक है। और किसी ने कहा महाराज जी थोड़ा सा आपको, आप हरी नहीं लेते ना, आप नमक नहीं लेते ना, लेकिन आज दो दिन चार दिन के लिए आप हरी ले लीजिए। अब नियम था कि नहीं लेना, वैद्य का महाराज जी चार दिन आप ले लीजिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अब यहां मर जाना चाहिए कि नियम तोड़ देना चाहिए? यहां यहां पूछ रहा हूं। अच्छा, क्योंकि भक्ष मान लीजिए कोई का त्याग होता है, अब चौदश का मान लीजिए उपवास किया, चलो ऐसा ले लेते हैं चतुर्दशी का उपवास लिया, अब उसी दिन कोई ऐसा ब्लड प्रेशर लो या एक्स वाई जेड कोई ऐसी बीमारी आ गई, अब उनका उपवास था पूरा पक्का था, तो अब वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा देखो साहब आप भोजन ले लीजिए, पानी ले लीजिए, आप बच जाओगे। तो अब ऐसी स्थिति में और अभी जवान है तो मर जाना चाहिए या उपवास तोड़ देना चाहिए? बस तो अब नियम टूट गया ना, तो परिस्थिति देखी जाए।